to answer. आई एम नॉट श्योर, जब होगा तब बोलेंगे, लेकिन जब तक होगा नहीं मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूं। जिसको भी हमारे ग्रेटर कीपरा लैंड के मूवमेंट में उनको वो बाय हार्ट है तब आइए, मोस्ट वेलकम। अगर किसी को सिर्फ पोस्ट या पोजीशन के लिए आना है तब हमें सोचना पड़ेगा एज अ पार्टी, बट इफ यू आर कमिटेड टू द डिमांड ऑफ ग्रेटर कीपरा लैंड, वी डू नॉट हैव एनी प्री कंडीशन, देन हम लोग सोचेंगे। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, जब होगा तब हम आपको बताएंगे, जब तक नहीं होगा मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहता। ओके, आई जस्ट से समथिंग देन आई वॉन्ट माई ईएम ऑल्सो टू स्पीक ऑन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल द नोटिस हैज बीन सेंट टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन, लेट देम आंसर। एज फार एज वी आर कंसर्न आई थिंक इट इज वेरी क्लियर दैट ब्लू के लिए सबसे ज्यादा फाइट मैंने किया, जब कंचनपुर में हमारे ब्लू को खाना नहीं दिया जा रहा था, जब स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कंचनपुर जाके बोल रहे थे कि आप लोग मिजोरम चले जाओ क्योंकि यहां में अब खाना नहीं दिया जाएगा, उस समय मैं कुछ नहीं था, आई रिजाइन्ड एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट, मैं गया एंड आई सेड ब्रू को त्रिपुरा में रहना चाहिए। अमित शाह इज ऑन रिकॉर्ड थैंकिंग मी फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द ब्रूज, आई वॉन्ट द ब्रूज टू बी इन त्रिपुरा एंड आई वॉन्ट देम टू बी टेकिंग पार्ट। इनफैक्ट मेरा एक सपना है कि वन ऑफ द रिहेबिलिटेटेड ब्रू इन त्रिपुरा शुड ऑल्सो बिकम वन डे एमएलए, मिनिस्टर एंड एमपी। स्टेट गवर्नमेंट ने इसको कंटिन्यूसली डिले किया, ये अकॉर्ड साइन किया गया 2020 में, 2022 सितंबर एंड हो रहा है, टिल नाउ बिकॉज ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स दो तीन एनजीओस जो कंचनपुर में बैठे हैं उन्होंने ब्रू रिहेबिलिटेशन को डिले किया। द स्टेट गवर्नमेंट को हाईकोर्ट को बोलना चाहिए कि ये डिले इसके लिए हुआ है क्योंकि हमने नॉन स्टेट एक्टर्स के बात सुना है। सेकेंड, द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज टू आंसर टू द हाईकोर्ट, वी आर ऑल्सो वेटिंग। विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, पीपल गांव में सफर कर रहे हैं। आपने म्यूनिसिपल इलेक्शन किया, आपने बाय इलेक्शन किया और आज क्योंकि आप इलेक्शन लड़ने से डरते हैं तो आपने विलेज काउंसिल इलेक्शन को डिले किया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पांस, मैं पहले वेट करूंगा उनका रिस्पांस को, उसके बाद आई विल रिएक्ट, लेकिन अंडर नो सर्कमस्टांसेस पॉलिटिक्स शुड बी प्लेड इन द नेम ऑफ आवर ब्रू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आवर ब्रू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये एनजीओ लोग बोलते हैं कि परमिशन लेना चाहिए हमसे कब और कहां ब्रू को सेटलमेंट किया जाए। जब वी सेटल पीपल फ्रॉम अनदर कंट्री, डिड वी टेक परमिशन फ्रॉम द हानिबुसा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन अस अ कमिटमेंट दैट ब्रूज हैव टू बी रिहेबिलिटेटेड एंड दे हैव टू बी रिहेबिलिटेटेड एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन टू मच टाइम बिकॉज दे हैव बीन लिसनिंग टू फ्यू एनजीओस फ्रॉम Kanchanpur and they are playing communal politics. I will wait for the answer from the State Election Commission and then give my reply. My EM, Education PW Chittu Babu, also has to say something on this. Please. Yesterday, High Court has issued a notice, Election Commission of India, State Election Commission as well as State ADC Administration for not enrolling the names of blue people in the Central right. Yes. अगर वोटिंग फंडामेंटल राइट होता तो चाकमास को 60 साल में वो फंडामेंटल राइट कोई डिनाई नहीं कर सकते, वो भी इंडियन सिटीजन है। वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में है। फंडामेंटल राइट राइट टू रिलीजन है, राइट टू वोटिंग इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। अगर होता तो उसका अलग मतलब होता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट टू वोट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। अनलाइक सम पीपल आई रीड द कॉन्स्टिट्यूशन सो आई नो यू शुड दैट्स व्हाई। পুনর্জন্ম আচাই কাতাল আচাই মানি সাল
কাইসানো এসা সুরে কাইসানো সেজাগই ককসানানি তনই আং নাখলাই আইফোন ককনো কিসানো সাসিনাই তনই সিংহ বাই সিংহ তঙ্গু মায়ুং বাই মায়ুং তঙ্গু মাছা বাই মুসুই তংমাইয়া আং তনই থাইঞ্চা ন হামজাকনাই ওবা গেরানি থাইঞ্চা বাই ফাইয়ু অশোক নানিক চুং থানানি মুসুংমানি তংনানি মুসুংমানি ও জাগা ও জাগা গো চুং যত থাইঞ্চাকে সামুং টাংলাইনাই থাইঞ্চানি বিসিংতই চুং জে নাংমানি চুং নাংখা হিংকে চুং তামাহিন আশোক সে খাইছে না আং তাই সালিয়া অবনি বাগই অর যতনি থানি তেবে সাং খাকসামা হামবাই ও সন্ধ্যা জরাগ যতন তেবে সা আনি অকরান খুলুমই শুভ সন্ধ্যায় সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত আমাদের সর্বজনপ্রিয় মহারাজা বুবাগ্রা এবং দলের মন্দকবিল্লা শ্রীযুক্ত প্রদ্যুত কিশোর প্রধান মহোদয়, আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন আমার সহোদর বন্ধুবর যিনি আজকে আপনাদের সামনে এবং এই দলে আমার সমান সংযুক্ত হয়েছেন শ্রী পূর্বমন ত্রিপুরা বিধায়ক, সঙ্গে আছেন এডিসির চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার শ্রী পূর্ণমোহন জমতিয়া মহোদয়। এবং শ্লোকে বলা হয়েছে তেজের ধর্ম দয়াহীনম বিদ্যাহীনম গুরু তেজের তেজের ক্রুদমুখী বাচ্চা নিষ্ঠহান বান্ধবান তেজের। সবাই বুঝেছেন নিশ্চয়ই ধর্মহীন দয়াহীন ধর্ম বিদ্যাহীন গুরু ক্রুদমুখী বাচ্চা এবং স্নেহহীন বন্ধুদের পরিত্যাগ করবে, এটা মানে উপনিষদে একদম স্পষ্টভাবে বলা আছে। আমাদের মানে পূর্বতন যে দল আমি ছিলাম এখানে কোনো স্নেহ ছিল না, আমার কতটুকু ধারণা কাজ করতে যাই কাজ করতে দেওয়া হয়, বহু অনেক কথা আছে পরে আস্তে আস্তে হয়তো আপনি একটু সময় পেলে আজকে এই অল্প সময়ে আপনাদের আর কিছুই বলব না, আবারও আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে।